वेलकम बैक गाइज, वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। जो लोग पहली बार मुझे देख रहे हैं, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी, और जो लोग बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग मी, फॉर सपोर्टिंग मी। ओके, वंस अगैन वेलकम बैक टू रिया अनलीश्ड। और ये वीडियो होने वाला है, क्या आप लोगों को टाइटल से पता चल गया है, फिर भी मैं बता देती हूँ, हम सबको शॉपिंग हॉल देखना बहुत ज़्यादा पसंद है। और एज अ यूट्यूबर आई बिलीव सारे यूट्यूबर्स को शॉपिंग हॉल करना भी बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार वी गर्ल्स आर ऑल अबाउट शॉपिंग एंड गेटिंग न्यू स्टफ्स, राइट। और अगर वो मेकअप ओरिएंटेड हो, हेयर केयर ओरिएंटेड हो, कपड़े ओरिएंटेड हो, ज्वेलरी ओरिएंटेड हो, तो हमारा तो भाई दिन सेट है, यू नो। सो या इट्स ऑल अबाउट अ मेकअप, हेयर केयर एंड स्किन केयर वाला हॉल। फेस्टिव सीजन चल रहा है, स्टार्ट हो चुका है, गणेश चतुर्थी बस अभी खत्म हुई है। आई थिंक, आई डोंट नो, मैं कभी ये वीडियो डालूंगी, आज शायद तीसरा या चौथा दिन है गणेश चतुर्थी का, मैं आज वीडियो जब रिकॉर्ड कर रही हूँ। एंड अब तो बारी बारी से आएंगे शॉप, मतलब फेस्टिवल्स आते रहेंगे, बट जानती हूँ मैं इस साल सिचुएशन बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। बट फिर भी हम क्या कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ तो करेंगे ना भाई, अपनी स्किन का तो ख्याल रखना बनता है, अपने हेयर का तो ख्याल रखना बनता है। हम कहीं जाए ना जाए, घर पे बैठकर हम वीडियो कॉलिंग पे क्यों ना अपने दोस्तों के साथ बातें करें, कुछ तो होना चाहिए, आफ्टर ऑल इट्स फेस्टिवल। तो मैं लेकर आ गई हूँ शॉपिंग हॉल। पहली बात तो ये मेंशन करना चाहती हूँ, पर्पल के साथ ये मेरा पहला शॉपिंग हॉल है। मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने कैश ऑन डिलीवरी किया। जो भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए सारे कैश ऑन डिलीवरी थे। 13 अगस्त को मैंने प्रोडक्ट्स ऑर्डर किए थे और 16 अगस्त के अंदर मुझे सारे प्रोडक्ट्स आ गए। पहली बात तो हम सो इम्प्रेस कि इतनी जल्दी चीज़ें आई है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने मंगवाई है, तो उस हिसाब से काफ़ी जल्दी मुझे चीज़ें आ गई। सेकेंड जो मैं ये कहना चाहूँगी, उनकी जो डिलीवरी प्रोसेस है, नो टच, यू नो, डिस्टेंस वाला, जिस तरह से वो डिलीवरी करे उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सेकेंड ये बताना चाहूँगी कि उनकी पैकेजिंग 100% काफ़ी अच्छी है, बबल रैप है, जिस तरह से आती है पैकेजिंग, पर्पल इज, आई थिंक दे आर डूइंग सो वेल नाउ डेज। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर शिफ्टिंग फ्रॉम नायका टू पर्पल, बिकॉज मुझे ऐसा लगा पर्पल से मैंने क्यों शॉपिंग की। मैंने बहुत अच्छे से उनका वेबसाइट पूरा एप्लीकेशन चेकआउट किया, मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उनके पास बहुत सारे कंपनीज हैं जो नायका के पास नहीं है, ठीक है, मैं मेंशन करूंगी। एंड बहुत रेंज की चीजें हैं, अगर कोई चाहता है कि मैं 300 रुपए में भी एक स्पा खरीदूं ना, तो उसको मिल जाएगा, मैंने देखा है। आई एम गोना बाय दैट, आई एम गोना रिव्यू दैट आल्सो। बट मुझे बहुत अच्छा लगा, पर्पल के पास बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट्स है, यू नो, ये मुझे चीज उनकी बहुत अच्छी लगी। तो मैंने क्या किया है, मैंने कुछ बहुत यू नो इंटेंसिव वाला केयरिंग वाला चीज मैंने मंगवाई है, तो बहुत बोल चुकी हूँ मैं, नाउ लेट्स स्टार्ट द हॉल। ओके, तो प्रोडक्ट नंबर 1 क्या है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी ये बायोटीक का, ये है मास्क रूट फ्रेश ग्रोथ नरिशिंग ट्रीटमेंट पैक। ये है इसकी जो क्वांटिटी है वो है 230 ग्राम। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मैंने अभी भी कुछ यूज नहीं किया है, रिव्यू के जो वीडियोस है वो अब बारी बारी आएंगे, मैंने सोचा पहले आपके साथ हॉल शेयर कर लेती हूँ। एंड दिस इज द टब लुक लाइक, ठीक है, सी, अच्छा खासा इसमें सामान है। और 230, ऑब्वियसली मैं सारे प्रोडक्शन के लिंक जो नीचे मेंशन कर दूंगी, 230 इसकी MRP है। आई थिंक मुझे कम में मिली है, मुझे भी याद नहीं आ रहा मैंने क्या क्या यू नो कौन सी चीज़ कौन से MRP में बुक की थी, पर सारे डिटेल्स सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मतलब उसके ओरिजिनल प्राइस और मुझे कितने में डिस्काउंट में मिला। मैंने पहली बार पर्पल से चीज़ ली तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो मुझे बहुत अच्छे खासे डील मिले, मैं आपको बताती हूँ 1 by 1। बट पहले मैं आपको दिखा देती हूँ ये हाउ डज इट लुक। ये अभी खोला भी नहीं है मैंने, ये पूरा पूरा पैक है, तो मैं अभी आपके सामने इसको खोलती हूँ। तो मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मैं कैसे खोलूं, वेट, मैं इस चीज को जो भी ये है इसको मैं यूज करने के लिए बहुत बेकरार हूँ। आई थिंक अपार्ट हेयर मास्क, हेयर स्पा का जो लॉरियल का हमने किया था, उसके अलावा मैंने कभी इस तरह की कोई भी चीज नहीं खरीदी, तो इसको लेकर तो मैं हूं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड। सी, दिस इज हाउ इट लुक्स, और
इसकी खुशबू ना बिल्कुल मेहंदी जैसी नहीं लगती जो हम हाथों में लगाते हैं, वो वाली खुशबू है। अब मैं पढ़ती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और हाउ टू यूज। इसका यूजिंग जो मेथड लिखा है वो ये है, मिक्स विथ एग और योगर्ट बिफोर एप्लीकेशन, अप्लाई लिबरली टू ड्राई स्कैल्प एंड हेयर। ऑब्वियसली आपको साफ बालों में साफ स्कैल्प में ही करना चाहिए। लीव ऑन फॉर 30 मिनट्स, शैम्पू रिंस वेल विथ वाटर, अप्लाई वंस अ वीक और एज नीडेड। तो ये जिस तरह से हम वो लगाते थे ना, हिना लगाते थे, आई थिंक ऑलमोस्ट सेम ही है इसका भी प्रोसेस। और आप इसे एग के साथ, योगर्ट के साथ, मैं योगर्ट स्किप करती हूँ क्योंकि मुझे जुकाम हो जाता है योगर्ट से, तो मैं योगर्ट बालों में नहीं लगा पाती। ऑब्वियसली एग तो हम डाल ही सकते हैं। एंड नीचे ये भी लिखा है कि दिस इज नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, दिस इज इट हैज थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज। ओके, सॉर्टेड। नाउ अब क्या लिखा है, मैं इसके आपको पढ़ के सुना देती हूँ। अगर इंग्रेडिएंट्स, हाँ मिल गए मुझे इंग्रेडिएंट्स, वो है मुलेठी रूट, फ्रूट आमला, हरर फ्रूट, जायफल जो कि बहुत अच्छा है, जायफल इज वेरी गुड, अच्छा गोंद, नीम बार्क, प्यूरिफाइड वाटर, आयुर्वेदिक मेडिसिन। तो इसमें नेचुरल चीजें बहुत ज्यादा है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। पर्पल ट्रस्टेड ब्रांड है, मुझे ये मास्क बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छे कॉस्ट में मुझे मिला है, सो आई गॉट दिस। इसका रिव्यू हम करेंगे बहुत जल्दी। नाउ लेट्स जंप इनटू द नेक्स्ट थिंग, ओके, व्हिच इज गोना बी ऑब्वियसली हेयर ऑयल। तो हेयर ऑयल ये है, एक्चुअली इट्स नॉट अ हेयर ऑयल, आई मेड अ मिस्टेक, इट्स अ एसेंशियल ऑयल, ठीक है, टर्मरिक एसेंशियल ऑयल। इसकी क्वांटिटी है 10 मिलीलीटर, ठीक है, 10 मिलीलीटर है। और इसकी बेनिफिट्स लिखे हैं, रिलीव्स अ स्ट्रेस, कार्ब्स हेयर लॉस, रिड्यूसेस इन्फ्लेमेशन, ट्रीट स्किन इन्फेक्शंस, इम्प्रूव स्किन इलास्टिसिटी, कीप्स स्किन लुकिंग यंगर। हाउ टू यूज, टेक 2 to 3 drops ऑफ पर्पल एसेंशियल ऑयल एंड मिक्स इट विथ इट्स बेस्ट फ्रेंड कैरियर ऑयल ऑफ योर चॉइस, मतलब आप अपनी पसंदीदा किसी भी ऑयल के साथ इसे मिक्स कर सकते हो। देयर वाज अ बर्ड, तो सॉरी आप इसे मिक्स कर सकते हो कैस्टर ऑयल के साथ, ऑलिव ऑयल के साथ, कोकोनट ऑयल के साथ, वॉट एवर यू फील लाइक। अप्लाई ऑन द स्किन और हेयर, और फिर आप उसे जहां भी आपको लगाना है, स्किन में लगाना है, हेयर में लगाना है, जहां कहीं भी लगाना है लगा सकते हो। अच्छा, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मे बी हार्मफुल टू सम पीपल, ऑलवेज कंडक्ट अ पैच टेस्ट बिफोर यूज, पैच टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट अप्लाई अनडिल्यूटेड ऑन स्किन, मतलब इसको रॉ आप मत यूज करना, किसी के साथ मिक्स करके तब यूज करना। कीप अवे फ्रॉम द रीच ऑफ चिल्ड्रन, कीप अवे फ्रॉम आईज, स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो लेट्स ओपन दिस, देखते कि इसकी खुशबू वगैरह कैसी है। मैंने कुछ भी नहीं खोला है, एज इट इज रखा है। ओके, सो अच्छा, तो इसके साथ मतलब एप्लीकेटर भी है, अमेजिंग भाई अमेजिंग। ये इस तरह दिखता है, प्लेन बॉटल है, इस तरह का प्लेन बॉटल है। अच्छा, इस तरह का ये कैप है अंदर, तो इसको खोलते हैं बहुत ध्यान से, बारीकी से खोलना आप इसे, वरना स्लिप हो गया अगर तो सब कुछ जो है पानी में जाएगा। हाँ, मिल गया हमें। नाउ लेट्स ट्राई सम अ ड्रॉप, सी गाइस दिस इज हाउ इट लुक्स, ठीक है, ये दिस इज हाउ इट लुक्स। हमें इसमें डिप करना है, ठीक है, एंड ये इस तरह से आप इसको ड्रॉप वाइज यूज कर सकते हो। अगर 2 to 3 drops भी आप ले रहे हो तो मोर देन इनफ है, काफी दिनों तक आपको चल जाएगा। आई एम गोना यूज दिस ऑल्सो, आई एम गोना रिव्यू आपके साथ वन बाय वन, आई विल कम अप विद। आई हैव अनदर हेयर केयर प्रोडक्ट गाइज, दिस प्रोडक्ट इज समथिंग आई वॉज रियली रियली एक्चुअली वेटिंग टू ट्राई, आई एम स्टिल वेटिंग, क्योंकि इस तरह का पता नहीं मिलता होगा शॉप पे, पर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो मुझे जब ये मिल गया है ना, तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। ये क्या है, इट्स अ रीथा पाउडर, अल्प्स गुडनेस प्लस स्विस लव। ये मुझे नायका में नहीं मिला, आई डोंट नो पहले मिलता है अब मिलेगा, आई डोंट नो वॉट एवर इट इज, बट जब मैंने ढूंढा, मैं कंपेयर करना चाह रही थी, तो मुझे नहीं मिला। इट्स अ रीथा पाउडर, ये भी आप बहुत अच्छा एक हेयर पैक आप इससे बना सकते हो।
यूसेज वगैरह सारे पीछे लिखा है. टेक 20 ग्राम ऑफ रीठा पाउडर, एड 100 मिलीलीटर वाटर टू मेक अ पेस्ट. यू कुड एड ऑयल्स एंड एड बेनिफिट्स फॉर हेयर. अच्छे से थिन टूथ को, अच्छा, यूज अ थिन टूथ कॉम फॉर पार्टिंग हेयर टू ब्रांचेस एंड अप्लाई द पेस्ट फ्रॉम रूट्स टू लेट द स्कैल्प एंड हेयर अब्सॉर्ब द पेस्ट. लीव द पेस्ट ऑन द हेयर फॉर 60 मिनट्स. फॉर बेस्ट रिजल्ट्स इट्स रिकमेंडेड टू लीव इट ऑन फॉर 3 आवर्स और मोर. वॉश विद वाटर अंटिल रिंसिंग वाटर बिकम्स क्लियर. वॉश अगेन विद अ माइल्ड शैम्पू. लेट इट ड्राई एंड सेट एज रिक्वायर्ड. ओके, इसकी मैं आपको बता देती हूँ. ये इस पे 180 रुपीज इसकी MRP लिखी है, पर मैंने 180 में नहीं खरीदा. मैं आपको बता दूंगी, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, तो उससे आप देख सकते हो कि किस कितने में मिला है एवरी डिटेल्स एंड एवरीथिंग. एंड इसकी क्वांटिटी कहाँ लिखी है यार, इट्स 150 ग्राम. ये यहाँ तक है एंड आई कैन फिल. हाँ, ये सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि दिख रहा है, ये पूरा भरा हुआ है. ठीक है, इसका भी हम रिव्यू करेंगे. शायद पहले बार्टिक वाला मास्क का रिव्यू करूंगी, उसके बाद इसका रिव्यू करूंगी. इसमें भी आप, इसमें लिखा तो नहीं है, पर एग आप मिक्स कर सकते हो, आप ऑयल मिक्स कर सकते हो और इसे 3 घंटे के लिए छोड़ दो और आपके हेयर, आई थिंक मैंने बोला था कि एक एंशियंट सा हेयर केयर करूंगी मैं अपने आई बटन पे, आपको एक वीडियो मिलेगा उस पर मैंने बोला था कि एक एंशियंट सा मुझे हेयर केयर करना है, तो उसके लिए बेसिकली मैंने ये मंगवाया है. ये हम रिव्यू करेंगे बहुत जल्दी. अब हम चलेंगे गुड वाइब्स का पहला प्रोडक्ट मैंने खरीदा है उसकी ओर. दैट इज ऑब्वियसली गोना बी अ शैम्पू. मतलब सब कुछ लिया, हेयर पैक, एसेंशियल ऑयल, अब शैम्पू तो लेना ही था. तो शैम्पू लिया है हमने. दिस इज द पैकेजिंग लुक लाइक. इट्स अ गुड वाइब्स बनाना शाइन शैम्पू. 120 मिलीलीटर का है. नो पैराबेंस एंड क्रुएल्टी फ्री लिखा हुआ है. गुड वाइब्स के प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री होते हैं, वी ऑल नो. अच्छा, इसके भी मैं इंग्रेडिएंट्स एक बार पढ़ना चाहूंगी. इसके इंग्रेडिएंट्स है बनाना, बिकॉज बनाना आर रिच इन विटामिन्स, पोटेशियम एंड नेचुरल ऑयल्स. बनाना हेल्प्स टू सॉफ्टन द हेयर, प्रोटेक्ट इट्स नेचुरल इलास्टिसिटी. बनाना बूस्ट्स हेयर ग्रोथ एंड मेक इट शाइन. या इट्स ट्रूथ. बनाना भी मैं रॉ कभी अपने बालों में नहीं लगा पाई क्योंकि मुझे प्रॉब्लम है जुकाम का. बनाना अपने आप में बहुत ठंडा होता है और मुझे जुकाम हो जाता है, इसलिए मैं नहीं लगा पाती. इसीलिए मैंने ये बनाना शैम्पू बनाना फ्लेवर में मैंने इसलिए इसको खरीदा. बहुत ऑप्शंस आपको मिलेंगे, आपको जो ऑप्शन लेना है आप ले सकते हो. मैंने इसलिए ये लिया क्योंकि ये बनाना फ्लेवर है और बनाना के जो गुड चीजें हैं, यू नो, जो हेल्दी उसका इफेक्ट होता है बालों में, स्किन में, वो मुझे पता था. रकुलप्रीत सिंह का एक वीडियो मैंने देखा, अगर मुझे मिला तो मैं नीचे उसको लिंक करूंगी आपको. रकुलप्रीत जो द एक्ट्रेस रकुलप्रीत, उसके चैनल में भी मिलेगा. उसने रिसेंटली एक बनाना एंड हनी वगैरह का एक फेस पैक उसने शेयर किया था. इट वॉज अ हिलेरियस क्यूट सा वीडियो ऑफ हर. तो बनाना के स्किन के पे भी बहुत अच्छे इफेक्ट्स होते हैं, तो मैंने इसलिए ये लिया. इसमें और भी सारी चीजें लिखी है, क्राफ्टेड विद पैशन स्किल्स, फ्रेश इंग्रेडिएंट्स एंड हेयर एक्सपर्टाइज टू क्लींस योर स्कैल्प, बूस्ट द हेल्थ ऑफ योर हेयर, एटसेट्रा एटसेट्रा सब कुछ लिखा है. हाउ टू यूज द बेसिक रूल्स ऑफ हाउ टू यूज द शैम्पू, जिस तरह हम यूज करते हैं वैसा ही है. वेट योर हेयर, पंप इट एंड मसाज इट ऑन योर स्कैल्प अक्रॉस द लेंथ ऑफ योर हेयर. लेट द लैदर सिट इन अप देयर फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. तो दे आर सेइंग कि थोड़ी देर के लिए उसे छोड़ दो एंड देन आप उसको वॉश कर लो अच्छी तरह से एंड यस, यू आर गुड टू गो. इट वुड हेल्प यू टू अवे विथ टैंगल्स, मतलब टैंगल्स फ्री. आई रियली लाइक दिस शैम्पू. इसका फ्रेग्रेंस बिल्कुल लाइट बनाना का, जिस तरह का मतलब बनाना का जो फ्रेग्रेंस होता है उसी तरह का फ्रेग्रेंस है. मुझे अच्छा लगा ये शैम्पू. आई रियली कांट कंप्लेन अबाउट दिस. द प्राइस मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसकी जो प्राइस है वो है 165 रुपीज एंड द क्वांटिटी इज 120 ml. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या इट्स 120 ml. ऑनेस्टली मेरे तो छोटे बाल है, लेकिन मेरे बाल क्योंकि बहुत हैवी हैं, तो आई एम नॉट श्योर. मुझे नहीं लगता ये ज्यादा दिन तक लास्ट करेगा, तो आई एम गोना बाय सम न्यू. मे बी आई डोंट थिंक मैं गुड वाइब्स का ही खरीदूंगी, या जो भी खरीदूंगी आई विल थिंक अबाउट दिस. एक्चुअली आई डोंट नो वाई, मुझे अच्छा लग रहा है, यू नो, एक्सपेरिमेंट्स करना. जनरली मैं अपने हेयर के साथ ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करती, आपको पता है मैं बहुत दिनों से सेम शैम्पू यूज कर रही थी, लेकिन लाइक चलो ठीक है. अच्छा, इसके बारे में एक एक्साइटिंग सी बात बताना चाहती हूँ. गुड वाइब्स का ये जो बनाना शैम्पू है उसके साथ मुझे फ्री मिला है ये छोटू सा पपाया ब्राइटनिंग फेस वॉश. मतलब गुड वाइब्स का कुछ भी खरीदो उसके साथ आपको कुछ ना कुछ फ्री मिल रहा था पर्पल में.
ये बेसिकली ट्रैवल के लिए है. यू कैन सी ये बहुत ही छोटा सा क्यूट सा है, बट द नाइस थिंग इज जब मैं शूट पर जाती हूँ ना, शूट पे जब शूटिंग खत्म हो जाती है, कई कबार ऐसा होता है कि मेकअप फिर मुझे बहुत टाइम लेके निकालो ये वो, तो मुझे इस तरह का जो फेस वॉश है ना, इतना छोटू सा, ये मुझे बहुत ही काम आएगा. आई एम गोना कैरी इट इन माय बैग और फिर जब मुझे जरूरत पड़ेगी आई कैन वॉश माय फेस. तो मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ इसके साथ. इसमें कुछ ज्यादा इतना अलग लिखा नहीं है, इसमें इंग्रेडिएंट्स पर लिखा है कि इसमें ऑलिव ऑयल है, पपाया है एंड प्यूरिफाइड वाटर है, ग्लिसरीन है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सारी चीजें होती हैं वही सब है. इसके साथ भी लिखा है कि प्लीज पैच टेस्ट कर लो. जिनकी भी स्किन में थोड़ा सा सेंसिटिविटी ज्यादा है उनके लिए बेस्ट है कि वो पैच टेस्ट जरूर करें. वैसे तो पैराबेन और क्रुएल्टी फ्री है. यस आई एम डन. अब हो गया हमारा हेयर केयर का रेंज खत्म. अब आई विल जंप टू द प्रोडक्ट नंबर 4 विच इज अ सनस्क्रीन. पहली बार मैंने एरोमा मैजिक का कोई प्रोडक्ट यूज किया है. मैंने पर्पल के पे इसके बहुत अच्छे रिव्यूज पढ़े, बहुत अच्छे मैंने पर्पल पे इसके रिव्यूज पढ़े. आई एम स्वेटिंग. ओके सो इतना अच्छा मैंने इसका रिव्यू पढ़ा, मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई. मैंने कभी भी यूज नहीं किया था ये. 50 मिलीलीटर का है ये और SPF 15 है. एक्चुअली शायद मैं इतने कम SPF का नहीं कुछ खरीदती, बिकॉज अभी मैं ज्यादा बाहर नहीं जा रही हूँ. आई एम जस्ट स्टेइंग एट होम, इंडोर. That's why I took it. Obviously, इनके पास ज्यादा SPF का भी सामान होगा. अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है तो मैं लिंक करूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, आप लोग चेक कर लेना. एंड ये लिखा है कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन वाले कोई भी इसे यूज कर सकते हैं. एंड 15 मिनट्स बिफोर आपको इसे सन में जाने से पहले यूज करना है. यूज 1/2 टीस्पून टू प्रोटेक्ट योर फेस एंड 1 टेबल स्पून टू कवर स्किन फ्रॉम हेड टू टो. मतलब आप इसे फुल बॉडी में यूज कर सकते हैं, विच इज एन अमेजिंग थिंग. ऑब्वियसली फॉलो अप विद अ मॉइस्चराइजर एम अ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट टू योर डेली मेकअप रूटीन टू. तो सनस्क्रीन को आप एज अ बेस मेकअप के पहले जो हम यूज करते हैं उसके भी लिए यूज कर सकते हो. इट्स वेरी गुड. आप सन में जाओ, सन में ना जाओ, घर पे भी रहो तो अच्छा है कि मॉइस्चराइजर अगर आप यूज कर भी रहे हो तो उससे पहले आप एक अच्छा सा सनस्क्रीन यूज करो. इससे मैंने एक बार यूज किया है, मुझे अच्छा लगा. बहुत जल्दी इजिली ये स्किन में मेल्टअप हो गया एंड दिस इज द ट्यूब लुक्स लाइक. बहुत ही ज्यादा पेपी और खूबसूरत सा कलर है, देखते ही दिल खुश हो जाता है. इस तरह से देखता है, ठीक है. एंड खुशबू बहुत लाइट है, बहुत लाइट है. जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है ना कुछ ज्यादा हैवी खुशबू वाली चीजों से, तो इसके लिए ये बहुत ज्यादा है. बेसिकली द फ्लेवर इज कैरेट. कैरेट सनस्क्रीन लोशन एरोमाथेरेपी स्किन केयर एसेंशियल्स इस पे लिखा है. ऑल नेचुरल मिनरल लाइन भी मेंशन है. आई एम श्योर इट्स गोना बी क्रुएल्टी फ्री टू. तो हाँ, इट्स अमेजिंग. रीअप्लाई एवरी 90 मिनट्स एंड एवरी 30 मिनट्स इफ यू आर डूइंग एनीथिंग एक्टिव दैट्स कॉजिंग यू टू वर्क अप अ स्वेट एंड ऑलवेज आफ्टर स्विमिंग. तो बेसिक चीजें लिखी है, अगर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, धूप में ज्यादा है, स्विमिंग करके निकले हैं, तो प्लीज इसे याद से लगा लीजिएगा. तो हो गया ये सारा. अब मैं जाने वाली हूँ जिस पे उसके बारे में बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ. वो क्या है बताती हूँ आपको. बेला बॉस्टे लिपस्टिक का जो एक ट्राई ऑन मैंने दिखाया था वो इसी हॉल का एक पार्ट था. मैंने सोचा था पहले हॉल कर लूंगी, लेकिन पहले हॉल नहीं किया. पहले वो बेला बॉस्टे का मैंने लिपस्टिक ट्राई ऑन किया. पर्पल जो मैंने बेला बॉस्टे का लिपस्टिक ट्राई ऑन किया था उस पर लिखा हुआ था डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे 4 लिपस्टिक 600 रुपीज में मिले, विच इज एक्सट्रीमली गुड. आपने देखा ट्राई ऑन वाला वीडियो, आपको मिल जाएगा कार्ड पे, मैं ऐड कर दूंगी, आप आई बटन पे देख लेना. तो वो वाला वीडियो में आपने देखा कि कितना अमेजिंग लग रहे थे वो सारे जो टोन है. मैंने 4 खरीदे. मैंने बेसिकली ज्योति सेठी का एक बेला बॉस्टे का, मैंने उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डालूंगी, बिकॉज शी डिड ऑल द यू नो सारे उनके 18 रेंजेस है. मतलब बेला बॉस्टे के जो 8 वाला जो कलेक्शन है उनका, जो रेंज है उनका, उसमें 18 शेड्स है और सारे के सारे लिपस्टिक्स के ज्योति सेठी ने स्वॉच भी किया था, ट्राई ऑन भी किया था. वो भी वीडियो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी, आप लोग चेकआउट कर लेना. मैंने वो वीडियो देखा और अपने स्किन टोन के मुताबिक मैंने 4 वहां से लिपस्टिक चूज किए एंड वो मैंने मंगवाए और मुझे सारे के सारे शेड्स बहुत ज्यादा अच्छे लगे. जो गोथी प्लम वाला, ये वाला जो फोटो है ना, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया था. आई नेवर ट्राइड दिस शेड, दिस पर्टिकुलर शेड. तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है. एंड दिस इज द फेवरेट विच आई राइट नाउ आई एम वेयरिंग. दिस इज द 03 नेकेड. या 03 नेकेड. एंड इसकी पैकेजिंग आती है इस तरह से, सिल्वर कलर के बॉक्स में आता है और सारी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन होती है कि कौन सा वाला
यू नो ये जैसे ये गोथी प्लम का है, इसमें लिखा है कि 10 है, मतलब जो इसका नंबर है, इसकी क्वांटिटी है, इसका नाम है, जो लिपस्टिक का, वो सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. ऑल द डिटेल्स यू कैन रीड, इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, एवरीथिंग. ठीक है, तो मैंने खरीदे हैं 4 लिपस्टिक्स, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ. दिस इज गोथी प्लम वाला है, ये इस तरह का दिखता है, थोड़ा सा देखने में शायद अलग लगेगा, लेकिन पहनने के बाद आई रियली मतलब वो सो हैप्पी. जिनकी स्किन टोन मेरे जैसी है या मुझसे फेयर है, ठीक है, उन पे तो बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी. जो डार्क है मुझसे थोड़े से, उनका आई डोंट नो, बट ये जो शेड मैंने अभी पहना है ना, दिस इज अल्टीमेट. ये सब पे सूट करेगा, मुझे ये इतना अच्छा लगा है. मैं ऑडिशन पे जाऊंगी, मैं मीटिंग पे जाऊंगी ना, तो ये शेड तो मैं कभी भी दिन में रात में कभी भी पहन सकती हूँ. बट गाइज इतने सस्ते में मिल रही है आपको ये लिपस्टिक्स, और इतनी वैरायटी ऑफ इनकी कलर, इनके कलर्स है, और क्वांटिटी भी अच्छी खासी है. एक्सपेक्ट मत करना कि शुगर या और बेहतर जो भी लिपस्टिक्स के ब्रांड्स है उन जितना आपको इसका लॉन्ग लास्टिंग इतना नहीं होता है ये. ठीक है, आई एम जस्ट बीइंग वेरी ऑनेस्ट. बहुत अच्छे लिपस्टिक्स है, नो डाउट, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी. यू गाइज आर माई सपोर्ट स्ट्रेंथ, तो मैं नहीं चाहती कि मैं कोई फॉल्स आप लोगों को बोलूं और फिर आप मेरी बात सुन के ये खरीदूं. Reality is Bella Vosser lipsticks are not long lasting. ठीक है, आप कुछ भी खाओगे या थोड़ी देर बाद आप अगर नजदीक से देखोगे ना, तो यहाँ यहाँ से यहाँ यहाँ से वो कम होते चले जाते. शुगर के लिपस्टिक्स आप लगा के सारा दिन रहो, खाओ पियो कुछ भी करो, इधर से इधर नहीं हिलते वो. बट ऑब्वियसली गाइज ये मुझे 4 लिपस्टिक्स, ये 4 मुझे लिपस्टिक मिले हैं, ये है 2 और ये एक और है और एक अलग रखा है. तो आप सोचो ना, इतने सारे लिपस्टिक्स मुझे, ये यहाँ पे तो 3 है बेसिकली, मैंने 4 खरीदे, मुझे 600 में मिले. और शुगर के लिपस्टिक स्टार्ट होते 400 से, एंड उनकी जो टैन फैन वाला जो मेरे पास है वो 500 रुपीज की है, तो हम कैसे कंपेयर करें, नहीं कंपैरिजन होता. लेकिन रेगुलर यूज के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, अगर आप इसे बैग में कैरी कर सको. ठीक है, आप इसे बैग में कैरी कर लो, टाइम टाइम रिटच कर लो, कोई इशू नहीं है, इट्स वेरी गुड. ठीक है, मैंने शुरू जब मैंने किया था, जिस दिन मैंने ट्राई ऑन किया था, बैक टू बैक मैं लगा रही थी, तो मेरे लिप्स बहुत ड्राई हो गए थे. आज मैंने पहले वेजलिन का जो मेरा लिप बाम मैं यूज करती हूँ उसको मैंने लगाया, उसके बाद मैंने लगाया था, आई एम नॉट फीलिंग इट दैट मच ड्राई. बट ऑब्वियसली शुगर या मैक का लिपस्टिक्स जैसे हाइड्रेटिंग फील ये आपको नहीं दे सकते, आई एम नॉट गोना लाई टू यू ऑल. सो गाइज ये रहा पूरा हॉल का डिटेल्स, मैंने आपको बता दिया. हम सारे प्रोडक्ट्स जो है हेयर केयर के बेसिकली हम रिव्यू करना अब स्टार्ट करेंगे. अभी नेक्स्ट जो मैं वीडियो शूट करूंगी वो हेयर केयर पे ही होगा. साथ ही साथ मैं अब आपके साथ रेगुलर बेसिस पे कुछ हेयर स्टाइलिंग के वीडियोस भी शेयर करती रहूंगी, क्योंकि बहुत सारे उसके रिक्वेस्ट आ रहे हैं. सो यार दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो, इट इज अ लॉन्ग वीडियो आई नो, क्योंकि शॉपिंग हॉल है, मुझे सारी चीज आपको दिखानी थी, सारे डिटेल्स बताने थे. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो, एंड जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी कमेंट्स हो, कोई भी सजेशन हो नीचे कमेंट्स बॉक्स पे बता सकते हो, एंड मुझे इंस्टाग्राम पे पिंग कर सकते हो. आई एम ऑलवेज अवेलेबल टू टॉक, स्पेशली टू गर्ल्स. मेरी जो फीमेल फॉलोअर्स है उनके साथ मेरा अजी अलग ही खूबसूरत सा कनेक्शन है, तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिए, आई एम देयर टू टॉक टू यू. एंड यस, साइनिंग ऑफ गाइस, बाय.